मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर राजेंद्र कॉलेज, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, छपरा। आज मैं आप लोगों के सामने एमए सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए सिक्स्थ पेपर लेकर आई हूँ। और सिक्स्थ पेपर में ध्वन्यालोक पढ़ना है, ध्वन्यालोक भी में भी प्रथम उद्योत पढ़ना है। इसमें जो श्लोक यहाँ दिख रहा है, जो कारिका है यहाँ पे, उस पर जाने से पहले मैं कुछ आपको बतला दूँ कि ध्वन्यालोक आचार्य आनंद वर्धन की रचना है और ध्वनि सिद्धांत का ये आधारभूत ग्रंथ है। ध्वनि क्या है और उसमें भी प्रतीयमान अर्थ, व्यंग्य अर्थ, इसकी क्या महत्ता है काव्य में, इसका सही ढंग से वैज्ञानिक रूप से अगर किसी ने स्थापना की है तो वो आचार्य आनंद वर्धन हैं। उन्होंने ध्वन्यालोक को चार उद्योत में बांटा है, जिसमें हमें प्रथम उद्योत पढ़ना है। और यह पहली कारिका है। इससे पहले इन्होंने मंगलाचरण किया है। किसी भी काव्य को आरंभ करने से पहले हम क्या आशय वस्तु, जो हमारी मंगलाचरण की परंपरा होती है, जिसमें आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक अथवा वस्तु निर्देशात्मक, ये तीनों रूपों में हमें मंगलाचरण का ज्ञान होता है। और यहाँ हम देखते हैं इस ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में कवि ने विष्णु, भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार धारी भगवान विष्णु के अवतार का स्मरण किया है। और उन्होंने लिखा है, स्वेच्छा केसरिण स्वच्छ स्वच्छ छायाया सितेन्दव त्रायंताम वो मधुरिपो प्रपन्नातिच्छिदो नखा। तो यहाँ इस पर हम विशेष ना जाते हुए सिर्फ आप लोगों को यही बता दें कि यहाँ नरसिंह अवतारधारी भगवान विष्णु का स्मरण किया गया है। और यह जो यहाँ एक पंक्ति है, त्रायंताम वो मधुरिपो हो, यानी भगवान जो विष्णु है वो हम सभी की क्या करें, हम श्रोताओं व्याख्याताओं की रक्षा करें। तो ये जो पंक्ति है, जो जैसे आपकी रक्षा करें, त्रायंताम वह, तो इस पंक्ति से ये पता चलता है कि इस मंगलाचरण का स्वरूप जो है वो आशीर्वादात्मक है। और जिसका एक अर्थ आप लोग को बता दें कि अपनी इच्छा से ही नृसिंह का रूप धारण करने वाले मधु नामक असुर के शत्रु भगवान विष्णु के अपनी निर्मल कांति से चंद्रमा को लज्जित कर देने वाले और शरण में आने वालों की कष्टों को काट देने वाले नाखून तुम सबकी व्याख्याताओं और श्रोताओं की रक्षा करें। तो यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि आचार्य आनंद वर्धन ने अपने इष्ट देव नरसिंह अवतारधारी भगवान विष्णु का स्मरण किया है, ताकि ये हमारी जो काव्य रचना है, ये जो अत्यंत जो विहंगम जो कार्य है, ये वह बहुत ही सफलतापूर्वक, सुगमतापूर्वक, निर्विघ्न रूप से पूरा हो सके। और इसके बाद कारिका, प्रथम कारिका आती है, जिसमें जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है, काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति बुधे यह समामनात् पूर्वः तस्य अभावं जगतु अपरे भाक्तम आहुतम अन्ये केचिद वाचाम स्थितिम विषये तत्त्वम उचहु तदियम तेन ब्रूमः स हृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। कहने का क्या मतलब है कि ध्वनि क्या है? ध्वनि काव्य की आत्मा है। काव्यस्य आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि है। बुधे यह समामनात् पूर्वः, इस प्रकार विद्वानों ने जिस ध्वनि का पहले कथन किया था, दूसरे विद्वान उस ध्वनि का अभाव कहते हैं, तस्य अभावम अपरे जगदुः, अन्य विद्वान उस ध्वनि को भाक्त लक्षणागम्य कहते हैं, अन्ये भाक्तमाहु
केचिद वाचाम स्थितिम अविषय। कुछ विद्वानों का तो यह कथन है कि वह ध्वनि जो है वो वाणी का विषय नहीं है, यानी ध्वनि कोई विषय ही नहीं है, ऐसा उन लोगों का मानना है। तो ये अलक्षणीयतावादी जो विद्वान हैं उनके ये विचार हैं। इस कारण से सहृदयों के मन की प्रसन्नता के लिए उस ध्वनि के स्वरूप को कहते हैं तत् सहृदय मनः प्रीतये तत् स्वरूपम ब्रह्मा। कहने का अर्थ क्या हुआ कि सहृदय मनः जो हमारे हृदय को के मन को प्रसन्न करे, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए इस ध्वनि के स्वरूप का व्याख्यान करते हैं। तो यहाँ पे एक और बात का पता चलता है कि आखिर काव्य रचना का क्या हमारा उद्देश्य होना चाहिए, प्रयोजन क्या होना चाहिए। तो सहृदय मनः प्रीतये, सो जो मन की प्रसन्नता हो, आनंद के लिए भी हम ध्वनि हम काव्य की रचना करते हैं। और आनंदवर्धन ने यहाँ स्पष्ट कहा कि मैं मन की प्रसन्नता, सहृदयों की मन की प्रसन्नता के लिए इस ध्वनि के स्वरूप को कहता हूँ, बतलाता हूँ। तो इस जो मैंने यहाँ पे कारिका दी है, यहाँ पे जो मैंने कारिका दी है उसमें कुछ जैसे मैंने यहाँ आपको एक बोल्ड दिखलाया है काव्यस्य आत्मा। तो काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति, यानी काव्य की आत्मा ध्वनि है, यानी इस काव्य इस ध्वनि काव्य का जो आरंभ है उसमें ही कवि ने ये कह दिया है कि काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति, काव्य की आत्मा ध्वनि है। बुधे, बुधे मतलब जो हमारे प्राचीन, जो हमारे विद्वान पहले कि जो विद्वान हैं, व्याकरण हैं, तत्वज्ञाता हैं, काव्य तत्वों के मर्मज्ञ हैं, उन्होंने सम आमनात पूर्व, सम मतलब सम्यक रूपेण आमनातः प्रकटितः इति तस्य सहृदय जन्मनः प्रकाशमानस्य अप्य अभाव मन्ये जगदुः। कहने का मतलब ये हुआ कि काव्य तत्वद भी बुधे, यानी व्याकरण है काव्य तत्वद भी काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति संगीतः, काव्य की आत्मा ध्वनि है ऐसा उन्होंने कहा है। यानी जो हमारे प्राचीन व्याकरण हैं, हमारे जो काव्य तत्व के मर्मज्ञ हैं, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। तस्य अभावम जगदु अपरे, तस्य अभावम जगदु अपरे। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ विद्वान ऐसे भी हैं कि उन्होंने इसको इसका अभाव कहा है, यानी काव्य की आत्मा ध्वनि नहीं है, ध्वनि नाम की कोई तत्व नहीं है। भाक्तम आहुतम अन्य, जबकि कुछ अन्य विद्वान हैं जो भाक्तवादी कहे जाते हैं, उन्होंने ध्वनि को लक्षणागम्य बतलाया है। केचिद वाचाम स्थितिम अविषय, केचिद वाचाम स्थितिम अविषय, और कुछ ने तो ये कहा है कि ये वाणी का विषय हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये ध्वनि नाम का कोई तत्व नहीं है। तेन ब्रूमा, इसी को स्पष्ट करने के लिए मैं ध्वनि का लक्षण और ध्वनि के सिद्धांत की व्याख्या यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। आचार्य आनंदवर्धन ने इस कारिका में ध्वनि विरोधी तीन मतों की स्थापना की है। तो इसमें पहला है, जैसा कि यहाँ सामने दिख रहा है, अभाववादी, दूसरा भाक्तवादी और तीसरा अलक्षणीयतावादी। अभाववादी का ये मानना है कि नास्त्येव ध्वनि रीति, अर्थात ध्वनि तत्व नहीं है, ध्वनि है ही नहीं, नास्त्येव ध्वनि रीति। और भक्तिवादी क्या मानते हैं, भक्तिरेव ध्वनि रीति, मतलब भक्ति ही ध्वनि है। जो भक्ति को हम लक्षणागम्य ऐसा हम कहते हैं, और इसको हम स्पष्ट करेंगे जब ध्वनियालोक के अगली कारिकाओं को जब मैं पढ़ाऊंगी, तब इसको और भी हम स्पष्ट करेंगे। कहने का अर्थ है कि भक्तिवादी का कहना है कि ध्वनि लक्षणागम्य है, जबकि आनंदवर्धन ने ये कहा है कि ध्वनि प्रतीयमान अर्थ व्यंजनागम्य जो कह सकते हैं वह ध्वनि है, यानी ध्वनि में व्यंग्य अर्थ की प्रधानता होती है, जबकि भक्तिवादी इसे नहीं मानते। उन्हें उनको उनका यह कहना है कि ये लक्षणागम्य है।
और अलक्षणीयतावादी क्या कहते हैं, अनिर्वाच्यो ध्वनि रीति। कहने का अर्थ, ध्वनि जो है वो वाणी का विषय हो ही नहीं सकता है, ये कोई अपूर्व वस्तु हो ही नहीं सकती, इसलिए ध्वनि को हम सीधे सीधे अस्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि ने, आचार्य ने बड़े ही सुंदर ढंग से ध्वनि सिद्धांत की स्थापना के पूर्व अपने ध्वनि विरोधी मत जो पहले प्रचलित थे, पूर्व में प्रचलित थे, उन आचार्यों के मतों को की स्थापना करके उसका खंडन करते हुए आगे अपनी ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की है। और उन्होंने यह सिद्ध किया है कि काव्य से आत्मा ध्वनि, काव्य की आत्मा ध्वनि ही है। अब हम ये देखेंगे कि अब जैसे मैंने कहा आपको, ये तीन मैंने विकल्प बताया, तीन विरोधी मत हैं। इसमें भी अभाववादियों का जो मत है वो, उसके तीन विकल्प हैं। पहला क्या है, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। शब्द और अर्थ ही क्या है, काव्य है। शब्द और अर्थ का जो सम्मिलन है वह क्या है, काव्य शरीर है, वही शरीर है, वही काव्य है। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, तत्र च शब्दगतः चारुत्व हेतवो अनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव। इसमें भी जैसे शब्दगतः क्या है, जो हमारे अलंकार जो हुए, अनुप्रास आदि, उपमा, अनुप्रास अलंकार है, उपमा नहीं, उपमा नहीं आप सुनेंगे, उपमा अर्थ अलंकार है। मैंने यहाँ कहा तत्र च शब्दगतः चारुत्व हेतवो अनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव, मतलब शब्दगत जो अलंकार है, जो काव्य के चारुत्व को, उसकी सौंदर्य को बढ़ाता है, ऐसे शब्दगत जो शब्द अलंकार अनुप्रास आदि है वो कवि में, काव्य में प्रसिद्ध है, ये आरंभ से ही प्रसिद्ध हो चुका है। और अर्थगत च उपमादयः, अर्थगत कौन है, अर्थ अलंकार कौन है, उपमा आदि अलंकार जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाती हैं। और वर्ण संगठना धर्माश्च ये माधुर्यादयः ते अपि प्रतीयन्ते। और जो वर्ण के संगठन धर्म जो हैं, जो माधुर्य आदि जो गुण हैं, वह भी क्या है, काव्य के शोभा के आधायक तत्व हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि, और इसके अलावा वृत्ति है जिसमें उपनागरिका आदि वृत्तियाँ हैं जो सुनने में बहुत ही सुंदर लगती हैं, और इस कारण हम कह सकते हैं कि काव्य के सौंदर्य के आधायक यही सब तत्व हैं। रीति आदि जो हैं, वैदर्भी आदि रीतियां जो हैं, उनसे काव्य का सौंदर्य बढ़ता है। इसलिए इसके अतिरिक्त ध्वनि नाम का कोई तत्व नहीं है। तद व्यक्तिरिक्त को अयम ध्वनि नाम इति, इसलिए ध्वनि नाम का कोई ऐसा तत्व नहीं है। तो यहाँ इन्होंने जो पहला मैंने बताया है, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, कहने का अर्थ है कि काव्य का जो सौंदर्य है वो शब्द और अर्थ से ही, और अर्थ के सौंदर्य से ही वो प्रतिभाषित हो जाता है, तो फिर हम ध्वनि नाम के अलग तत्व को क्यों स्वीकार करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभाववादियों ने जो चार मत प्रस्तुत किए हैं, एक अलंकारवादी, दूसरा गुणवादी, तीसरा वृत्तिवादी और चौथा है रीतिवादी। तो शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, ये जो अलंकार, गुण, वृत्ति और रीति हैं, ये शब्द एवं अर्थ के सौंदर्य को बढ़ाता है, और काव्य क्या है, शब्द और अर्थ का सम्मिलन है, तो काव्य की सुंदरता तो उन्हीं तत्वों से बढ़ जाती है, तो ध्वनि नाम का तत्व भला क्यों स्वीकार किया जाए। तो इस तरह से पहले विकल्प में उन्होंने कहा है शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। अब मैं दूसरे विकल्प पे आती हूँ। ये बच्चों ये ध्यान रखेंगे आप कि ये अभाववादियों का मत है। अभाववादियों में जो तीन विकल्प हैं उसको मैंने पहला आपको बताया। दूसरा ये है नास्तेव ध्वनि। नास्तेव ध्वनि यानी ध्वनि नाम का कोई तत्व है ही नहीं। इसमें एक, इसके विस्तार में आनंद आचार्य आनंद वर्धन ने लिखा है, प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकिणः काव्यकारस्य काव्यत्व हाने।
कहने का अर्थ है कि जो प्रसिद्ध प्रस्थान व्यतिरेकिनः, मतलब विद्वानों द्वारा जो प्रसिद्ध मार्ग जो बताए गए हैं, जैसा कि अभी मैंने कहा अलंकारवादी, रीतिवादी, गुणवादी, जो ये आचार्य जो हैं इन्होंने जो प्रसिद्ध मार्ग स्थापित किया है, अगर हम ध्वनि को मान लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उस मार्ग का उल्लंघन हो जाएगा। तो इसलिए ये कहना सहृदय है आह्लाद आह्लादी शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम, इसलिए ये मान लेना सही होगा कि शब्द और अर्थ का जो युक्त जो आह्लादकारी तत्व होता है, जो रचना होती है, जो सहृदय के हृदय को आह्लादित करे, वही काव्य का लक्षण है। इसलिए उन प्रसिद्ध मार्गों का उल्लंघन करके कोई एक अतिरिक्त तत्व को स्वीकार करना, एक अतिरिक्त ध्वनि तत्व को मानना, ये उचित नहीं है। नास्तेव ध्वनि, तो इसमें हम स्पष्ट हो गया कि जो प्रसिद्ध मेरा पूर्व का जो मार्ग है, जो अलंकारवादी ध्वनि और रीतिवादी आदि आचार्यों ने स्थापित किया है, कि शब्दार्थमयत्वेव काव्य लक्षणम, यानी सहृदय आह्लाद आह्लादी शब्दार्थमयत्वमेव काव्य लक्षणम, यानी जो शब्द और अर्थ सहृदय के आनंद को बढ़ाता है, सहृदय के आनंद को आनंदित करता है, वह रचना शब्द और अर्थ से युक्त वह रचना ही श्रेष्ठ है, वही काव्य का लक्षण है, और इसमें ध्वनि नाम की कोई तत्व नहीं है। नास्तेव ध्वनि। तो अब हम इसके आगे जो तीसरा विकल्प है, ये सभी अभाववादियों का विकल्प है। तीसरे विकल्प में आप देखेंगे न संभवत्येव ध्वनि नामा पूर्वः कश्चित्, कहने का अर्थ क्या है कि उस ध्वनि के अभाव को अन्य प्रकार से कह सकते हैं, ध्वनि नाम की किसी अपूर्व वस्तु का होना संभव नहीं है, क्योंकि इसके विस्तार में कवि ने लिखा है, आचार्य ने लिखा है, कमनीय कमन अति वर्तमानस्य तस्योक्तेष्व एव चारुत्व हेतुष्व अंतर्भावात् तेषां अन्यतमस्याव वा अपूर्व समाख्या मात्र करणे यत् किंचन कथनम स्यात्। कहने का अर्थ है कि ध्वनि नाम की किसी अपूर्व वस्तु का होना संभव नहीं है, क्योंकि यह ध्वनि कमनीयता का अतिक्रमण नहीं करती, इसलिए इसका अंतर्भाव प्राचीन आचार्यों द्वारा पहले कहे गए गुण अलंकार आदि चारुत्व के हेतुओं में ही हो जाएगा। उस गुण अलंकार आदि में से किसी एक का ही अपूर्व नामकरण ध्वनि के रूप में कर देने मात्र से कौन सा कथन होगा, अर्थात यह बड़ा तुच्छ सा कथन होगा। यानी यहाँ अभाववादियों ने स्पष्ट किया कि ध्वनि नाम की कोई वस्तु, कोई अपूर्व तत्व है ही नहीं। वस्तुतः वह तो अलंकार, रीति और गुण और वृत्ति, यही सब जो शब्द और अर्थ के परिपोषक जो तत्व हैं वही हैं, इसलिए इसका कोई अलग हम नाम नहीं रख सकते। भला ये कहाँ तक उचित होगा कि ध्वनि नाम की कोई हम अलग वस्तु यहाँ पे स्थापित करें, कोई अलग नामकरण दें, तो ये संभव नहीं है, यह बड़ा तुच्छ सा कथन होगा। तो इस तरह से हम देखें कि आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि विरोधी तीन मतों में अभाववादियों के मत को स्पष्ट किया है, और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है परीक्षा के लिहाज से भी, कि अभाववादियों के मतों को स्पष्ट करें और फिर उसका खंडन, तो वो अगले क्लास में हम बताने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ हम दूसरा जो ध्वनि विरोधी मत है, भाक्तवादी, भाक्तवादियों का क्या मत है, उनका कहना है भाक्तम आहुतम अन्य, भाक्तवादी कुछ अन्य ही बातें करते हैं, अन्य तम ध्वनि संगीतम काव्यात्मानम गुण वृत्ति इत्याह। कहने का अर्थ क्या है कि जो उन्होंने ध्वनि से ध्वनि नामित जो काव्य की आत्मा है जो हम मानते हैं, वो क्या गुण वृत्ति को मानते हैं। भक्ति रेव ध्वनि रीति, भक्ति ही ध्वनि है, ये कहने का अर्थ है भक्तवादियों का। चूँकि व्यंग्य अर्थ भी है तो वहाँ अभिधा, वह क्या है, अभिधा वृत्ति से आक्षिप्त अर्थ से युक्त होती है, ठीक है, अर्थ के सामर्थ्य से उत्कृष्ट होता है,
जो व्यंग्य अर्थ है वो अभिधा वृत्ति से उत्कृष्ट अर्थ होता है, लेकिन लेकिन गुण वृत्ति का क्या अर्थ हुआ? वृत्ति मतलब व्यवहार, वृत्ति जो हम शब्द शक्ति है जिसमें हम एक गुण वृत्ति जिसे हम लक्षणागम्य कहते हैं, गौण लक्षणागम्य कहने का मतलब वह भी अभिधा शक्ति पे आधारित होता है। और पहले अभिधा अर्थ का हम ज्ञान कर लेंगे तभी हम लक्षणा अर्थ को समझ पाएंगे। इसलिए कहा गया है मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनार्थ, यानी अभिधा अर्थ जो मुख्य अर्थ है उसका बाध होने पर जो अन्य तीन जो कंडीशन तीन जो दिया गया है इसमें शर्त लक्षणावृत्ति को समझने में, तो वो तीनों अगर शर्त पूरी होती है तो वो वृत्ति क्या हो जाती है? लक्षणा हो जाती है। और उससे जो गम्य है, उससे जो गम्य वृत्ति है जिसे जो गौण अर्थ में है गुणीभूत हो जाती है तो वो गौण वृत्ति गौण लक्षणा गम्य है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो भक्तवादियों का मत है कि भक्ति रेव ध्वनि रीति, भक्ति क्या है? भक्ति भी लक्षणा के समान ही माना गया है, भज्यते सेव्यते इति भक्ति। और इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि ध्वनि जो है वह लक्षणा गम्य है, ऐसा भक्तवादियों का अर्थ का भक्तवादियों का मत है। उन्होंने इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, ये भक्त भक्ति ध्वनि और गुण वृत्ति इन तीनों को समझने के लिए ये आवश्यक है कि एक अलग से उसका वर्ग संचालन हो, ये उसको स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम अभी इतना ही आप समझें कि भक्तवादियों ने क्या कहा है कि ध्वनि काव्य की आत्मा ध्वनि ना होकर क्या है? लक्षणा है, यानी काव्य जो है वो लक्षणा गम्य है। भक्ति रेव ध्वनि रीति, भक्ति ही काव्य की ध्वनि है और यह ध्वनि जो है ये आत्मा जो है वो लक्षणा गम्य है, गुण वृत्ति से आबद्ध है, गुण वृत्ति से युक्त है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भक्तवादियों ने स्पष्ट किया कि तम्स ध्वनि संगीतम काव्यात्मनम गुणवृत्ति रीत्याह। और जब हम तीसरे लक्षण पे आते हैं, तीसरा जो मत है वो है अलक्षणीयतावादी, जिसमें कहा गया है कि केचित पुनः लक्षण कारणशील बुद्धयो ध्वनि तत्वम गिराम अगोचरम स्वहृदय हृदय संवेद्यम एव समाख्यातवंतः। कहने का अर्थ है कि ध्वनि जो है वो गिराम यानी वाणी के लिए अनिर्वचनीय है, यानी वो वाणी का विषय नहीं है, वाणी से अगोचर है। काव्य का लक्षण करने में अप्रगल्भ बुद्धि वाले कुछ विद्वानों ने कहा कि ध्वनि का तत्व वाणी से अगोचर है, वे केवल सहृदयों के हृदय द्वारा संवेद्य है। इस कारण से इस प्रकार की विभिन्न विपरीत मतियों के स्थित होने पर हम सहृदयों के मनों की प्रसन्नता के लिए इस ध्वनि के स्वरूप को कहते हैं। यानी यहाँ इन्होंने ये कहा कि अनिर्वाच्य ध्वनि जो है वह अनिर्वाच्य है, वह ध्वनि अनिर्वाच्य है, ये अलक्षणीयतावादी का मत है। तो ऐसा जो इन तीनों जो ध्वनि विरोधी मत है इसको का आचार्य आनंदवर्धन ने स्पष्ट करते हुए यहाँ पे स्थापित करते हुए फिर इसका खंडन किया है और फिर ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की है। और आज बस इतना ही, और अगले क्लास में हम इसके आगे के कारिकाओं की व्याख्या करते हुए कुछ जो आलंकारिक शब्द हैं, जो कुछ ध्वनि शास्त्र से संबंधित शब्द हैं उसकी भी व्याख्या बताएंगे।